कुछ पर्वत श्रृंखलाएं ट्रैकिंग के लिए स्वर्ग मानी जाती हैं। बादलों के साथ लुका छुपी खेलने के लिए मशहूर सह्याद्री रेंज का बहुप्रचलित किला, जो कठिन भी है और रोमांचकारी भी, जिसके बिना कलावंतिन दुर्ग अधूरा है। आज हम निकले हैं प्रबलगढ़ नाइट ट्रैकिंग, कैंपिंग और सनराइज ट्रैक पे। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। पनवेल स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर ठाकुरवाड़ी बेस विलेज से ये ट्रैक शुरू होता है। पहले कभी मैंने नाइट ट्रैक या नाइट कैंपिंग नहीं किया था। मेरा नाम सिद्धेश मोहिते है। आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स एंड दिस इज माई फर्स्ट ट्रैक। मैंने एक भी ट्रैक नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट है। इस बार मैं एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ था, एक अलग अनुभव लेने के लिए। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, सारे युवा, एक मैं ही उनसे 2 गुना उम्र का था। माय नेम इज हिमांशु नरेंद्र सावन। आई एम वर्किंग इन अ हेल्थ केयर कंपनी एंड आई हैव अ हॉबी ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल एंड आई एम आल्सो अ प्रोफेशनल एथलीट। रात को जंगल ट्रैक करना प्रबल माची पे साहसिक अनुभव था। हालांकि मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लोग ट्रैक पे थे। अलग अलग ग्रुप से कम 1000 के करीब लोग प्रबल माची पे कैंपिंग करने आए होंगे। सो माय नेम इज कार्तिके एंड आई हैव बीन ट्रैकिंग फ्रॉम 2018-17 एंड आफ्टर कंप्लीटेड माय बेसिक माउंटेनिंग कोर्स फ्रॉम HMI दार्जिलिंग, मी एंड माय फ्रेंड स्टार्टेड दिस कंपनी एंड आफ्टर दैट एवरी वीकेंड वी गो फॉर अ न्यू ट्रैक, वी मीट एवरी न्यू पीपल इन सेंस। युवा डॉक्टर्स, कॉलेज में पढ़ने वाले जेन जी, मैं आश्चर्यचकित था कि इस जनरेशन में भी पर्वतारोहण के लिए युवाओं में दिलचस्पी है। अगर सही दिशा मिले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरा नाम लव सिंह है, मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ। करेंटली मैं TY BCOM लास्ट ईयर है और मैंने बहुत सारे ट्रैक किए। 9th स्टैंडर्ड से मेरे स्टार्ट किया है ट्रैकिंग, तो मेरा मोस्टली महाराष्ट्र के सब कवर हो गए। भैरवगढ़ बाकी अभी मोस्ट डिफिकल्ट, बट मोस्टली सब कवर हो चुके हैं मेरे। प्रबलगढ़ कलावंतिन का ये ट्रैक काफ़ी प्रचलित है, इसलिए जगह जगह फूड स्टॉल्स लगे हैं। आपको ज़्यादा खाने पीने की वस्तु अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, हालांकि सही मायने में कैंपिंग की पूरी सामग्री अपने साथ ले जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में सुविधाएं मौजूद हैं, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करें। Hi, I am Anita and I am a film student and this is my first trek with Karthik and with you. Yeah, that's प्रबल माची एक समतल पठार है जहां गांव वालों ने कैंपिंग की व्यवस्था रखी है। कलावंतिन और प्रबलगढ़ जाने के लिए प्रबल माची से ही होके जाना पड़ता है। यहां से रात को मुंबई की चकाचौंध का दृश्य असाधारण है। ठंडी हवा में घंटों कैसे बीत जाए पता ही ना चले। मंशु, हेलो सिद्धेश, अनीता, कार्तिक, लव एंड मायसेल्फ परांग। स्वादिष्ट घर जैसा भोजन बड़े प्यार से खिलाते हैं यहाँ गांव में रहने वाले स्थानिक। रोटी सब्जी दाल चावल एकदम बढ़िया, हमने भी पेट भर के खाना खाया। ट्रैक करके भूख जोरों से लग ही जाती है। ओके, माय नेम इज पराग एंड दिस इज माय 6th ट्रैक। एज इज 44 राइट नाउ। लास्ट प्रीवियस ट्रैक्स आर लोहगढ़, विसापुर, तिकोना, कलावंतिन एंड रायगढ़। सो टुडे आई एम ऑल्दो हैविंग अ ट्रैक विथ यू ऑल टू कलावंतिन, बट आई एम प्लानिंग टू गो टू प्रबलगढ़ इंस्टेड इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ गया था, बादलों के कारण सनराइज नहीं दिखने वाला था, लेकिन उसका कोई दुख नहीं हुआ। ताजी हवा, थोड़ी बारिश की बूंदों ने ही खुश कर दिया। लोग बड़ी सुबह से ही अपने अपने समूह में कलावंतिन के लिए निकल पड़े थे। प्रबलगढ़ जाने वालों की संख्या कम ही रहती है। थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, थका देने वाला ट्रैक है और लंबा भी है। मैं 2 साल पहले कलावंतिन कर चुका था, इसलिए इस बार प्रबलगढ़ चुना।
मैं अकेला मन मौजे निकल पड़ा। गांव से होते हुए रास्ता बना हुआ है, गांव छोटा सा है, तुरंत ही घना जंगल शुरू हो जाता है। घने बादल छाए हुए थे, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या ही चाहिए। हमको इस वाले रास्ते से जाना है। प्रबलगढ़ जाने का मोटिवेशन यह है कि वहां से कलावंतीन का नजारा बहुत अच्छा दिखता है। सन 1630 के करीब जब अहमदनगर सल्तनत खत्म हुई थी, तब इस किले का नाम था मनरंजन। शाहजी राजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, वे इस किले पर जीजाबाई माता के साथ थोड़े समय रहे हैं। उसके बाद ये किला मुगलों के अधीन हुआ। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ये एरो के निशान देखते हुए जाइए। अब यहाँ से चुनौती शुरू होती है, पथरीला रास्ता या कहो पत्थरों की खाड़ी शुरू होती है। प्रबलगढ़ की चढ़ाई भी एकदम खड़ी है, कलावंतीन जैसी ही है, मजा आ रहा है। और अचानक यहाँ घने बादल और थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, मौसम एकदम बदल गया है। प्रबलगढ़ का इतिहास बहुचर्चित नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है। मराठों के बाद अंग्रेजों ने इसे हिल स्टेशन जैसे इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। पानी की कमी और खड़ी चढ़ाई की वजह से अंग्रेज माथेरान स्थानांतरित हो गए और इस किले को इतिहास में छोड़ दिया। ये जो वैली दिख रही है, बस इसके कोने कोने से अपने को चढ़ना है। इससे ये सवाल आता है कि प्रबलगढ़ ज्यादा कठिन है या कलावंतीन चढ़ना ज्यादा कठिन है। मेरा अनुभव कहता है कलावंतीन थोड़ा खतरनाक है, संभल के धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रबलगढ़ खड़ी और लंबी चढ़ाई की वजह से कठिन और मुश्किल है। घने कोहरे ने मौसम बदल दिया, चढ़ाई की थकान कम हो गई। ये सुंदर मौसम देख के साक्षात स्वर्ग जमीन पे आ गया हो जैसे। करीब डेढ़ घंटे की चढ़ाई के बाद महादरवाजा दिखाई दिया, बस अवशेष ही बचे हैं अब, कुछ सीढ़ियां बाकी हैं। अब कलावंतीन व्यू पॉइंट की तरफ जाने की इच्छा प्रबल हो गई थी। बहमनी सल्तनत ने यह किला बनाया था सन 1458 में, बाद में मुगल के कब्जे में रहा और 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से अपने कब्जे में ले लिया। हमले के समय केसर सिंह नाम का मुगल सरदार मारा गया था, लेकिन उसकी मां और बच्चे को महाराज ने सुरक्षित जाने दिया। ১৮২৬ में स्वतंत्रता सेनानी उमाजी नाइक कुछ समय के लिए इस किले पर रहे थे, ऐसा माना जाता है। प्रबलगढ़ बहुत फैला हुआ किला है, एक कोने से दूसरे कोने तक 2.5-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। प्रकृति भी कैसे जादुई रचना रचती है। कलावंतीन के इस नजारे को देखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ट्रेकर्स। माथेरान और पनवेल के बीच स्थित ये किला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से साफ दिखाई देता है। कलावंतीन दुर्ग 685 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, उसका अप्रतिम दृश्य देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। फोटोग्राफी करने के लिए प्रबलगढ़ का ये माथा बहुत लोकप्रिय है। दरमिया मेरे साथ ही मुझे कलावंतीन से आवाज लगा रहे हैं, मैंने भी इशारा किया। यहाँ बैठे समय का पता ही नहीं चला, मन नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का। इस दृश्य को कैमरे में कितना भी संभालो, लेकिन जो आंखों से दिखाई देता है वो अतुलनीय है, वर्णन से परे है। आंखों के लेंस से अच्छा लेंस कोई नहीं।
पूरा किला देखना तो संभव नहीं था, पूरा दिन चाहिए आपके पास। ये राजवाड़ा यहाँ बना हुआ दिखाई दिया। उस समय दीवार ऊंची बनाई जाती थी और वाड़े सतह के काफ़ी ऊपर बनाए जाते थे। इन पुराने अवशेष को देख के भी ऐसा लगता है कितना धनाढ्य था भारत अपना और कितने सक्षम थे भारत के राजा, जो अपने लिए इतनी कठिन ऊंचाई वाली जगह पे भी किले और महल बना दिए थे। अब नीचे उतरना उतना ही कठिन था जितना चढ़ना। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा प्रबलगढ़ चढ़ते समय। एक, अकेले कभी नहीं चढ़ना। दूसरा, एक दो महीने पहले शारीरिक व्यायाम करके अपने आप को तैयार जरूर कर लेना। हाथ में एक मजबूत लकड़ी रखना और लंबी खड़ी चढ़ाई के साथ साथ घना जंगल है तो रात में यहाँ कैंपिंग या ट्रैकिंग करना ठीक नहीं रहेगा। नीचे प्रबल मैची पे कैंपिंग की व्यवस्था की गई है। बाकी इसकी सुंदरता के तो क्या कहने, यहां एक बार जरूर आइएगा। उतरते हुए गणेश जी और हनुमान जी की सुंदर पत्थर में तराशी हुई मूर्ति के दर्शन किए। आपको ये ट्रैक कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।